दोस्तों, क्या कोई ऐसा सटीक नियम है जिसको अपनाकर हम अमीर बन सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, है। एक नहीं, हजारों नियम हैं जिनको आसानी से अपनाया जा सकता है और बहुत तेजी से अमीर बना जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा रहे, आपको कभी पैसे की कमी ना आए और आप आराम से वित्तीय स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सकें, तो आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो कई प्रकार के नियम प्रचलित हैं, लेकिन कुछ ही बहुत लोकप्रिय होते हैं। आपको इन नियमों को याद रखना, सीखना और इनका उपयोग करना सीखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 8 सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सरल वित्तीय नियमों की जानकारी देने जा रहा हूं, जिनको यदि आपने अपनाया तो कोई कारण नहीं है कि आप वित्तीय आजादी प्राप्त ना कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल आर के गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि मैं आर्थिक एवं मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं वो नियम कौन कौन से हैं। नंबर 1, अपनी आय का 10% बचाएं। वैसे तो सही मायने में आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको अपनी आय का कम से कम 30% बचाना चाहिए, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो रूल का पालन करते हुए कम से कम अपनी आमदनी का 10% बचाना चाहिए। यदि आप अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो टैक्स को छोड़कर आय का कम से कम 10% अवश्य बचाएं। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है तो सुनिश्चित करें कि बचत आय की कम 15% हो जाए। आपके द्वारा बचत किया गया पैसा आपात स्थिति में काम आ सकता है। उम्र बढ़ने के साथ बचत बढ़ाते रहें और 45-50 की उम्र में आने पर कम से कम अपनी आय का 30% अवश्य बचाएं। नंबर 2, 50-20-30 का नियम। 50-20-30 का नियम यह है कि कैसे बचत करें और कैसे खर्च करें। आप अपनी आय का 50% अपने जीवन के खर्चों पर खर्च कर सकते हैं। जीवन के खर्चों में मूल रूप से घरेलू खर्च, किराने का सामान आदि आता है। इसके साथ ही कमाई की 20% राशि का छोटी, मध्यम और लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए बचत करें। शेष 30% भोजन और यात्रा पर खर्च कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और परिस्थिति के आधार पर इन खर्चों के प्रतिशत को कम ज्यादा कर सकते हैं। नंबर 3, आपातकालीन फंड बनाएं। आपको अनिश्चित कालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन फंड बनाना चाहिए। आपके आपातकालीन फंड में कम से कम इतना पैसा होना चाहिए जिससे आप 3 से 6 महीने तक बिना किसी परेशानी के जीवन यापन कर सकें। यदि आप विवाहित हैं तो कम से कम 6 महीने के खर्चों के लिए फंड बनाएं। यदि आप अविवाहित हैं तो इसे 3 महीने का कर सकते हैं।
स्वरोजगार करने वालों को कम से कम 12 महीनों के खर्च के लिए आपातकालीन फंड बनाना चाहिए। हालांकि आप जरूरत के हिसाब से फंड में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फंड जरूर होना चाहिए। नंबर 4, 24/10 का नियम। यह नियम कार खरीदते समय पैसा बनाने में मदद करता है। नियम के अनुसार 20 डाउन पेमेंट है। आपको डाउन पेमेंट के रूप में कार की लागत का कम से कम 20% भुगतान करना चाहिए। हालांकि जितना अधिक संभव हो उतना डाउन पेमेंट करने का प्रयास करें, क्योंकि डाउन पेमेंट जितना अधिक होगा उतनी ही कम लोन की ईएमआई होगी। बैंक 7 साल की पुनर्भुगतान अवधि पर कार ऋण देते हैं। पुनर्भुगतान के तनाव को कम करने के लिए 4 साल के पुनर्भुगतान की अवधि के लिए ऋण लेना सबसे बेहतर होता है। वहीं वेतन का 10% आय का ईएमआई के लिए उपयोग कर सकते हैं। नंबर 5, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा लें। असामयिक निधन की स्थिति में अपने प्रियजनों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए जीवन बीमा, विशेष रूप से टर्म प्लान अवश्य लें। जीवन बीमा पूर्ण रूप से जीवन सुरक्षा बीमा है। इसमें पॉलिसी धारक के निधन पर परिवार के सदस्यों की बीमा राशि मिलती है, जिसे मृत्यु लाभ भी कहा जाता है। सुनिश्चित करें कि जीवन बीमा आपके सालाना आमदनी का कम से कम 15 या 20 गुना हो। वहीं गंभीर बीमारी या बीमारी के दौरान होने वाले खर्चों के खिलाफ कवर प्राप्त करने के लिए अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य बीमा अवश्य करवाएं। नंबर 6, होम लोन थंब रूल। ध्यान रखें कि होम लोन की ईएमआई आपकी मासिक आय की 30% से अधिक ना हो। इसके साथ ही यदि आपने और कोई ऋण लिया है तो ध्यान रखें कि आपकी कुल ऋण ईएमआई आपकी मासिक आय के 50% से अधिक ना हो। आमदनी और ईएमआई का अनुपात लगभग 50% होना चाहिए। बैंक या एनबीएफसी में होम लोन के लिए आवेदन तभी करें जब आपका क्रेडिट स्कोर 750 या इससे एबव हो, नहीं तो आपका आवेदन अस्वीकार भी हो सकता है। नंबर 7, इक्विटी में निवेश करें। इक्विटी में निवेश करते समय 100 उम्र नियम का पालन करें। इसका मतलब है कि यदि आप 35 वर्ष के हैं तो इक्विटी में कम से कम 100-35=65% निवेश योग्य शेयर में निवेश करें। बाकी डेट यानी डेट और बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाना चाहिए। आप बाकी को पीपीएफ, एनएससी, पोस्ट ऑफिस स्कीम आदि में निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखें कि इक्विटी निवेश जोखिम भरा होता है और अपने लक्ष्यों तथा उम्र के आधार पर इक्विटी निवेश के लिए पैसा निश्चित करें। दीर्घकालिक लक्ष्यों और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इक्विटी बहुत बढ़िया विकल्प होता है। नंबर 7, 72 का नियम। 72 का नियम यह निर्धारित करने का एक शानदार तरीका है कि निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निवेश कितनी तेजी से दोगुना हो जा सकता है। कितनी तेजी से पैसा दोगुना होगा,
इसका अनुमान लगाने के लिए आपको 72 को ब्याज की वार्षिक दर से विभाजित करना होगा। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है जो एक वर्ष में 12% रिटर्न देता है। इसमें आपका पैसा 72/12=6 साल में, यानी 6 साल में 2 गुना हो जाएगा। अब यदि आपने एफडी में निवेश किया है जिसमें 8% ब्याज मिलता है तो आपका पैसा 72/8=9 साल में 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों, इन नियमों को अपनाकर आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस सुधार कर तेजी से वित्तीय आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें।